स्टूडेंट, आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। तो बताइए बेटा, आज आप लोगों का बायोलॉजी का पेपर कैसा रहा और बायोलॉजी प्लेटफॉर्म से आपको कितना बेनिफिट मिला है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। आज जो है हम क्लास 12th का बायोलॉजी पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, सेट ए। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से बेल आइकन दबा के कर दीजिएगा, ठीक है। सो सेक्शन ए है हमारा, सेक्शन ए जो एमसीक्यूज के लिए रहेगा आपका, फर्स्ट 1 मार्क के लिए। तो यहाँ पे पेपर का लेवल बहुत बढ़िया रहा है। मुझे लगता है कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे डिस्कस हुए हैं या अदर बोर्ड के प्रीवियस और फाइनल ईयर के पेपर जो डिस्कस हुए हैं उनमें से मैक्सिमम पेपर आपका आया हुआ है, तो ये आपके लिए खुशखबरी थी अगर जिन बच्चों ने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा था, ठीक है। तो उसके लिए आपका सब्सक्राइब करना बनता है और कॉन्ग्रेट्स, आपका प्लस टू क्लास जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म होता है। आप अपने टारगेट पे पहुंचते हो और अब आप नई लाइफ जो है आपकी स्टार्टिंग होने वाली है, उसके लिए भी बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल आपको हेल्प करता रहेगा, तो आप सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, द सेक्स क्रोमोसोम इन मेल ग्रास होपर इज, ऑप्शन विल बी सी XO। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी है XO, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ था बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको, जब चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया तभी मैंने आपको बर्ड्स का, मोथ का, ग्रास ओपर का, ह्यूमन बींग्स का, सभी का आपके साथ डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी अफेक्टिव कोडोन, वर्ड डाला है अफेक्टिव कोडोन, आर फॉर द सिंथेसिस ऑफ 20 अमाइनो एसिड। सी वी हैव 20 अमाइनो एसिड और टोटल कोडोन तो है 64। इन्होंने पूछा है अफेक्टिवली जो कोड करता है, तो वही बात आ गई, जो एक्चुअल में कोड करेगा तो आंसर क्या रहेगा आपका 61। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी है और आंसर रहेगा 61। ये आप मैच करें और मैच करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप बायोलॉजी में लगभग आपका कितना आइडिया है, कितने मार्क्स आपने अचीव किए हैं। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट 1 मार्क्स का तो आप मुझे जरूर बताएं, बाकी 2, 3, 5 मार्क्स से आप मत कैलकुलेट करो अगर आपको कोई अभी एस्टिमेशन ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब टीआरएनए, ट्रिक के साथ बताया था, टी से बना टिक, ट्रिक और टी से बना टीआरएनए, ठीक है। और आंसर आपके सामने है वो है आपका 3rd ऑप्शन, दैट इज द सी। तो आरएनए पॉलीमरेज जो 3rd है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। मैंने बताया था कि 1 जो है आरएनए के लिए, 2nd जो है एमआरएनए या एचएनआरएनए के लिए रहता है और जो 3rd है वो टीआरएनए या एसएनआरएनए के लिए रहता है। तो देखो ट्रिक के साथ जब क्वेश्चन किया जाता है एक लॉजिक लगा के, तो वो लॉजिक आपको याद रहता है। तो मेन हमारा जो टारगेट रहता है वो ये है कि आपको ट्रिक के साथ कुछ चीजें करवाई जाएं, हार्ड वर्क के साथ हम स्मार्ट वर्क करते हैं, ये आपने देख भी लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th रहेगा, वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब क्या ये तो एमसीक्यू बहुत इजी था। वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, सिंपल, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। बल्कि इन्होंने तो और स्पेसिफिक पूछना चाहिए था कि फेलोपियन ट्यूब में भी कहां होता है, तब आप देखते, वो था आपका आंसर एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। तो कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ए ऑप्शन है, दैट इज द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, ऑब्वियसली आज तो आपको बड़ी राहत मिल रही होगी, है ना, काफी टाइम के बाद, मतलब आप रिलैक्स फील कर रहे होंगे। और जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया है, वैसे तो सभी का अच्छा गया होगा, तो आप बेटा आज फुल एंजॉय करें और अच्छे से खाए पिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। तो डी ऑप्शन नियंडरथाल मैन, डी ऑप्शन है आपका नियंडरथाल मैन। अगर ऐसा सब आपने लिखा है तो बेटा डेफिनेटली जो है आपका जो पेपर है वो सही डायरेक्शन में गया है। क्वेश्चन नंबर 6, पता नहीं कितनी बार मैंने ये बोला होगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलोस्ट्रम है, आईजीए नाम का एंटीबॉडी है। तो देखो क्वेश्चन सामने है, टीचर को बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल को पता है कि बच्चों की नीड क्या है, इम्पोर्टेंट चीजें क्या है, वो सब आपके सामने हमने डिस्कस की है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो बेटा आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा। विच एंटीबॉडीज आर फाउंड इन अबंडेंस इन कोलेस्ट्रॉल। तो आंसर जो 6th का है वो है आपका ए ऑप्शन और ए में रहेगा IgA, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, मतलब कितना बेसिक सा क्वेश्चन आपका लेके
गए हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। द प्रोटीन एनकोडेड बाय जीन Cry1AC कंट्रोल, ऑप्शन बी कोटन बॉलबॉम। तो सेवंथ का जो आपका आंसर है वो है बी ऑप्शन, और बी में है आपका कॉटन बॉल वॉर्म। ठीक है, तो ये आपका सेवंथ का बी ऑप्शन रहेगा। अगर कौन बोरर है ना, वो क्राई वन ए बी तो कौन बोरर को करता है, हमसे पूछा है क्राई वन ए से, वो है आपका कॉटन बॉल वॉर्म, बी ऑप्शन। डी एट्थ क्वेश्चन पे हम जाएंगे। बाय विच एंजाइम बैक्टीरियल सेल इज ब्रोकन, इजी क्वेश्चन था, ये भी डिस्कस किया गया था। तो आंसर क्या रहेगा, लाइसोजाइम। मैं बार 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 आपको कहती थी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप करें, और करें तो देखो आज आपको जरूर बेनिफिट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। वेयर वॉज द अर्थ समिट हेल्ड इन 1992, रियो डी जेनेरियो, है ना। स्क्रीन शॉट आपने ले लिया है, तो नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन का आंसर है रियो डी जेनेरियो ब्राजील। तो कितना बढ़िया है ना क्वेश्चन। अगर वर्ल्ड समिट पूछा जाता ना बेटा, वर्ल्ड समिट जो कि पिछली बार पूछा गया था प्रीवियस पेपर में, उसका आंसर था जॉन्सबर्ग, ठीक है, साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे क्वेश्चन नाइन्थ का आपका आंसर है रियो डी जेनेरियो ब्राजील। वन वर्ड आंसर है ये, चाहे एमसीक्यू में आते या वन वर्ड में आगे, क्वेश्चन इजी थे। राइट द फुल फॉर्म ऑफ माल्ट, किसी बच्चे ने डिमांड की थी कि मैम एक फुल फॉर्म पे वीडियोस बनाओ, और मैंने एटलीस्ट 60 फुल फॉर्म डिस्कस की थी, मतलब मन तो और भी था कि 100 तक, एक सेंचुरी में करती आपकी फुल फॉर्म की, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगा कि कभी आप ज्यादा बर्डन फील करें, तो इम्पोर्टेंट की और इम्पोर्टेंट आ गई। तो वो क्या था, माल्ट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है, ये आपकी फुल फॉर्म थी मार्ट की। क्वेश्चन नंबर आपका 11th है, क्वेश्चन नंबर 11th रहेगा। इमेस्कुलेशन डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं बेटा, बल्कि मैं कहूंगी मतलब 100% अगर नहीं तो एटलीस्ट आपका 95-97% पेपर, मतलब मैंने डिस्कस किया है अपनी वीडियोज में। तो इमेस्कुलेशन में क्या हम देखते हैं, एंथर को हम कट कर देते हैं बिफोर ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, ठीक है, और वहां पे आप अपनी मन मर्जी का जो भी पॉलन ग्रेन आपको डस्ट करना है वो आप डस्टिंग करते हैं, इस प्रोसेस को इमेस्कुलेशन कहते हैं। उसके बाद आप वहां पे बैगिंग करेंगे और टैगिंग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कोलियोराइजा, ये भी आपको मैंने बताया था, कोलियोराइजा सिंपल है, कोलियोराइजा क्या है, एक कवरिंग है किसकी, रेडिकल की, और रेडिकल आगे जाके क्या बनना है, रूट बनना है। तो देखो आ गया क्वेश्चन इजी सा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। विच वॉज द बिगेस्ट लैंड डायनासोर, तो आंसर रहेगा अर्जेंटिनोसॉरस, जो कि एक लार्जेस्ट लैंड एनिमल भी अपने टाइम में था। तो आंसर है अर्जेंटिनोसॉरस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन द मेल इज कॉल्ड, बोलो कितना इजी क्वेश्चन है, 10th लेवल पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 था आपका, 14th क्या है आपका, वासेक्टोमी, 14th क्या रहेगा, वासेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, फिनाइल एलेनिन इज कन्वर्टेड इनटू डैश इन फिनाइल किटोनूरिया, डिस्कस किया हुआ था, सिंपल आंसर था टायरोसिन, ठीक है ना। तो ये हमने देखा था अपनी जेनेटिक्स के अंदर, तो कुछ ये डिसऑर्डर हमने स्टडी किए थे। जल्दी से एक आप स्क्रीनशॉट लेंगे। सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आए हुए हैं, जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपकी बुक्स में रहते हैं। Why is DNA chemically less reactive and structurally more stable when compared to RNA? Simple आपको लिखना था, देखो RNA क्या है, राइबो शुगर है, और DNA में क्या है, deoxyribose. Deoxy से ही पता चलता है कि एक ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, तो RNA में एक्स्ट्रा OH ग्रुप होने की वजह से, और स्ट्रक्चर जो है जिसकी वजह से जो आपका RNA जो है वो केमिकली मोर रिएक्टिव हो जाता है एज कंपेयर टू DNA, ठीक है। तो एक मतलब एक्स्ट्रा OH ग्रुप है यहाँ पे आपका, मतलब कि अल्कोहलिक ग्रुप है, एक्स्ट्रा OH ग्रुप है यहाँ पे,
ऑक्सीजन है आपका आरएनए में, लेकिन डीएनए के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी हमें डीएनए में देखने को नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर थर्ड जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन है ना, मतलब आज तो मुझे भी थोड़ी सी राहत मिल रही है कि एटलीस्ट मतलब बच्चों का पेपर अच्छा गया और फाइनली प्लस टू आपकी पास हो गई है। मतलब मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, जनरल क्वेश्चंस है ना, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, पॉपुलेशन एक्सप्लोर्ड पूछा गया है, मतलब बढ़ती जनसंख्या क्यों है। तो आप देखें यहाँ पे क्या है, इग्नोरेंस है, इलिटरेसी है, मतलब एक अज्ञानता है, एक अनपढ़ता है, और गुड मेडिकल फैसिलिटीज है, मोर बर्थ रेट है, लो डेथ रेट है, तो जिसकी वजह से क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता जा रहा है ना। तो ऐसे मतलब मेन ये सिंपल पॉइंट थे, ये आप देख सकते थे कि मोर बर्थ रेट ठीक है, जिसे आप नेटिलिटी रेट भी कहते हैं, नेटिलिटी रेट, और लेस डेथ रेट, उल्टा कर दो इसको, लेस डेथ रेट, ठीक है। तो डेथ मतलब कम है, बर्थ ज्यादा है, मेडिकल फैसिलिटी आपकी इंप्रूव्ड है, एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटी भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना, ये सब है आपका। और क्या, इलिटरेसी, अज्ञानता, ये तो सबसे बड़ा कारण है, और इग्नोरेंस भी कहेंगे, उसके बाद मतलब एक जो नॉर्मल से थिंकिंग लाइक चिल्ड्रंस दे आर द गॉड गिफ्ट है ना, तो मतलब ऐसी भी एक धारणाएं है कि मतलब भगवान का एक रूप है, रूप तो है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उसका क्या करेंगे। तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन करने थे। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन डिस्कस्ड क्वेश्चन, ये तो बहुत बार बताती थी तुम्हें, प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो प्राइमरी आपसे पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आप यहाँ पे बताएंगे, तो ये किस तरीके से फिल्टर का काम करते हैं, जर्म्स को बॉडी के अंदर अगर एंटर हो भी गया है तो कैसे उसके ऊपर अटैक करेंगे, और बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म ये तैयार करते हैं। नेम वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन, तो देखो प्राइमरी ऑर्गन बताए थे सिर्फ दो हैं आपके, प्राइमरी ऑर्गन जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है बेटा वो सिर्फ आपके टू हैं, एक है आपका बोन मैरो और दूसरा है थाइमस। तो बस ये इतना ही मेंशन करना है, इनको आप एक्सप्लेन नहीं भी करके आए कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल यू विल गेट फुल मार्क्स, बस आपको डिफाइन करना था और ओके है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो 2 मार्क्स में मतलब थोड़ा नहीं बनता, आई थिंक ये 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। व्हाट इज द हुगो डी वेराइस थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डार्विन्स व्यू, तो हुगो डी वेराइस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आपको वहां पे बताना था, और उन्होंने ओनियोथेरा लैमार्क किया ना, इवनिंग प्रिमरोज है ना, ओनियोथेरा ये भी मैंने आपको लिख लिख के दिए हैं सारी चीजें, लैमार्क की है ना, जिसे आप इवनिंग प्रिमरोज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हुगो डी वेराइस ने मतलब अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करने का मतलब एक एक्सपेरिमेंट प्लांट था इनका, तो डार्विन से ये किस तरीके से अलग था, तो डार्विन ने तो नेचुरल सिलेक्शन बताया था, इवोल्यूशन जैसी कोई बात नहीं की थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की, लेकिन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट को कौन बताएगा भाई, ठीक है, वो डार्विन ने नहीं अपने थ्योरी में मेंशन किया, तो वो प्रोपोजिशन उनके नहीं आ रहे थे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बताया, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल है, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल है, उन सब के बारे में बताया, बट जो हुगो डी वेराइस थे ना, उन्होंने क्या कहा कि इवोल्यूशन दैट इज अ जर्की प्रोसेस, जर्क समझते हैं ना, जो झटका लगता है, जो हो सकता है बायो का पेपर देखे एक बार तुम लोगों को भी झटका लग गया होगा लेकिन फिर रिलैक्स किया होगा, तो एक जर्की प्रोसेस है बट कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, ऐसा सब आपको मेंशन यहाँ पे करना था और डिफरेंस आपको बताना था, 2 मार्क्स में है, आई थिंक आंसर थोड़ा लेंथी बनता है। बट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नीड ऑफ एमटीपी, बोलो एमटीपी की क्या जरूरत है, तो एमटीपी की पहले फुल फॉर्म आप बताओगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक ना, उसके बाद आप नीड बताएं, क्यों नीड है, जिसे हम मतलब एबॉर्शन या मिसकैरेज भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कुछ बच्चे हो सकता है प्रेगनेंसी की जगह प्रोसेस लिखकर आए हैं, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है,
मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन, टर्मिनेट करना मतलब खत्म करना, दैट इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल कहें या मतलब आप ये बोलो कि जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो पहले 3 महीने जो है, ट्राई, ट्राई मीन्स 3, मेस्टर मीन्स मंथ, तो पहले 3 महीने, ट्राई हो गया आपका 3 और मेस्टर हो गया मंथ, तो पहले जो 3 महीने है उनमें एमटीपी किया जा सकता है, वो फिर भी थोड़ा सेफ है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो फीटस का और मतलब एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो बोलो चाहे आप या फीटस बोल दो कोई बात नहीं, और मदर का कनेक्शन बढ़ जाता है, प्लेसेंटा जो मैकेनिकल कनेक्शन है बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर दैट बिकम्स क्वाइट स्टेबल स्ट्रॉन्ग, एज ए रिजल्ट इट बिकम अ रिस्क टू द मदर एंड टू द फीटस आल्सो, ठीक है। तो आफ्टर 3 मंथ एमटीपी जो है डॉक्टर्स अलाउ ही नहीं करेंगे, मतलब वो तो एक जान लेने वाली बात हो जाएगी। तो नीड पूछा है क्यों करना है, मेन क्वेश्चन पे आप आइए, टू रिमूव अनवांटेड प्रेगनेंसी या टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड मतलब अनचाही प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए, टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, है ना, अनवांटेड प्रेगनेंसी, भाई मदर है या पेरेंट्स है अभी नेक्स्ट बेबी नहीं चाहते थे बट स्टिल दे कंसीव, देन दे हैव टू गेट रिड ऑफ दिस अनवांटेड प्रेगनेंसी, या बेबीज में गैप मतलब ज्यादा नहीं है, प्रेशर ज्यादा है पेरेंट्स का, कैरियर जो है वो डेवलप नहीं है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी है तो उसके लिए एमटीपी, या मे बी देयर मे बी सम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आल्सो, तो रिमूवल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी हो सकता है ना, या बेबी में कोई डिफेक्ट है, हार्ट बीट नहीं डेवलप हुई, कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए एमटीपी जैसी टेक्निक को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन, गिव एन एग्जांपल, 10th क्लास का क्वेश्चन है ये, अगर आपने 10th तो पढ़ी है वैसे तो, लेकिन आप देखो 10th लेवल का क्वेश्चन 12th क्लास में पूछा है, तो कोई मतलब मुश्किल नहीं है, पेपर मुश्किल नहीं है अगर आपकी स्टडीज अच्छी रही होंगी तो। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे, होमोलोगस ऑर्गन पूछा है ना, होमोलोगस ऑर्गन, तो होमोलोगस ऑर्गन में क्या होने वाला है, स्ट्रक्चर ध्यान दें, स्ट्रक्चर सभी का सेम है, यहां पे सेम स्ट्रक्चर है बट डिफरेंट फंक्शन, फंक्शंस डिफरेंट है बस। अब इसका आपको डेफिनेशन बनानी है, द ऑर्गेनिज्म विच आर हैविंग द सेम स्ट्रक्चर बट स्टिल दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, दैट इज द होमोलोगस ऑर्गन। बहुत बार बताया है मैंने होमोलोगस ऑर्गन में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, डाइवर्ज होंगी चीजें आपकी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा और अडेप्टिव रेडिएशन भी देखने को मिलेगा, अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो जब ऐसा है तो आंसर ओके है, फिर आप इसमें बोल सकते हैं लिम्स ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, ह्यूमन बींग, दे ऑल हैव सेम इंटरनल स्ट्रक्चर बट स्टिल दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, लाइक इन मैन वी कैन होल्ड थिंग, वी कैन राइट, वी कैन ग्रैप एनीथिंग, और इन बर्ड्स इट इज यूज फॉर फ्लाइंग, इन अदर एनिमल दे मे बी फॉर क्रीपिंग ऑल्सो, तो ये आप यहाँ पे आंसर आपका ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर जाएंगे, वट आर एक्सोन्यूक्लियसेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस, ईजी है ये भी क्वेश्चन आपको बताया हुआ था। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या है बेटा, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, देखो एक्सोन्यूक्लियस की बात की जा रही है ना, तो कहां एक्ट करने वाला है, ये करेगा डीएनए पे एक्ट, बस ये तो टर्मिनल एंड्स पे काम करेगा, एक्सो, एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जिट, एग्जिट का मतलब बाहर, तो टर्मिनल एंड्स पे काम करेगा, और ये वाला इंटरनल कट देगा, इंटरनल कट दे देगा एंडो, क्योंकि एंडो का मतलब ही क्या होता है, इनर, ठीक है, और एक्सो का मतलब आउटर, ओके, बट एट एनी प्लेस, एंडो न्यूक्लियस तो इंटरनल कट तो दे देगा, कहीं पर भी दे देगा, अगर यहां पे होता ना रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, तब ये होता कि वो स्पेसिफिक कट देगा, जो आप चाहते हैं वैसा कट वो वहां पे दे सकता है। तो क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं है, और ये मतलब एक स्ट्रैंड में कट देता है, ये दोनों स्ट्रैंड में कट दे देगा, तो ये दो दो डिफरेंसेस आपके होते तो ठीक था।
क्वेश्चन नंबर 9 पर जाएंगे. एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइनोबैक्टीरिया टू एनरिच द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. बताती थी मैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये आपके. तो क्वेश्चन नंबर 9 में रोल ऑफ साइनोबैक्टीरिया आपसे पूछा जा रहा है. तो यहाँ पे एनाबीना, नोस्टोक, एजोला, कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको लिखकर बताना था कि हाउ दे कैन एनरिच द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल. लाइक दे फिक्स नाइट्रोजन. सबसे पहले आपको लिखना था कि एक नाइट्रोजन फिक्सर का ये काम करता है. मीथेन भी ऐड करते हैं ये, मीथेन, ठीक है ना. और मीथेन किस लिए जरूरी है आपका, पैडी फील्ड्स के लिए. और पैडी क्या है, राइस, ठीक है ना. तो धान, धान मतलब आप कहते हैं ना भात, धान, चावल, ठीक है. पैडी का मतलब है राइस, राइस का मतलब चावल. तो वहां पे मीथेन जैसे गैसेस का या नाइट्रोजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. गोल्डन राइस जैसे आप वैरायटी भी यहाँ पे बता सकते हैं. तो ये था आपका सेक्शन बी. नाउ मूव ऑन टू सेक्शन सी. सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स के लिए रहेगा. आगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि नेक्स्ट जो आपकी प्लानिंग है वो क्या या किस थीम को लेकर है. समझ रहे हैं आप मेरी बात. मेरे कहने का मतलब है कि अभी आप प्लस टू के बाद ऑब्वियसली बच्चे सोच लेते हैं कि हमें किस लाइन में जाना है. तो वो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन, ताकि बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल आपको प्रॉपर गाइड करता रहे. प्रॉपर गाइडलाइंस और गाइडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आपकी जो प्रॉपर काउंसलिंग है वो बायोलॉजी प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवाएगा. तो आप ये सजेशंस है या आपकी क्या है, या आप चाहते हैं कि मैम इस लाइन में जा रहे हैं क्या ये ठीक रहेगी, या हमें आगे क्या करना चाहिए, तो वो चीज आप थोड़ा सा डिस्कस करें, ठीक है. आपकी फ्रेंड हूँ, आपकी टीचर हूँ, आपकी एज ए मदर हूँ, आप कुछ भी मुझे कंसिडर कर सकते हैं. तो सेक्शन सी करें डिस्कस. 3 मार्क्स के लिए रहेगा ये आपका. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. मतलब बोलते हैं ना आपको एनसीईआरटी जरूरी है, लेकिन जो थोरो रीडिंग है ना, थ्योरेटिकल पार्ट, मतलब जो डिटेल में आपको पढ़ना है, वो अदर हेल्प बुक्स भी जरूरी है और एनसीईआरटी की भी जरूरत होती है. क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा. व्हाट आर चेस्मोगैमस फ्लावर, कैन क्रॉस पोलिनेशन अकर इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर, गिव रीजन फॉर योर आंसर. अगेन डिस्कस्ड क्वेश्चन. चेस्मोगैमस मीन्स दे आर ओपन फ्लावर, है ना. चेस्मोगैमस फ्लावर ओपन है और क्लिस्टोगैमस फ्लावर कैसा है आपका, क्लोज्ड है. क्लोज्ड है तो इन्होंने, चलो यहाँ पे तो आप बता देंगे फ्लावर इज ओपन, तो क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे आसानी से हो जाएगा, ठीक है. अब पूछा है क्लिस्टोगैमस का, क्लिस्टोगैमस तो क्लोज्ड है. क्लोज्ड है तो आप ये देखो ना, क्रॉस पॉलिनेशन वहां पे नहीं होगा. एक तो नो आपको जरूर लिखना था वहां पे कि नो क्रॉस पॉलिनेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर बिकॉज दे आर क्लोज्ड. क्लोज्ड मैरिज कैन अकर इन बिटवीन दीज टू. फिर आप कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे बता गए होंगे, ऑक्सेलिस वोयला कॉमेलिना, ऑक्सेलिस वोयला कॉमेलिना, ठीक है ना, कॉमेलिना. ये एग्जांपल के साथ क्वेश्चन इजी था, मुश्किल नहीं है. ओके नेक्स्ट 11th क्वेश्चन. ये भी मैंने क्लासेस में भी, मतलब मेरी क्लासेस में भी, बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे भी तुम्हें बताया था. इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ HGP. पहले तो फुल फॉर्म लिखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है ना. अब उसके इंपॉर्टेंट गोल्स बताने हैं आपको. तो ये किसने, किस साइंटिस्ट ने दिया था, क्रेग वेंटर नाम के साइंटिस्ट ने जो है ये टेक्निक को दिया था. ये साइंटिस्ट का नाम है. अब पूछा है कि इंपॉर्टेंट गोल्स क्या है. तो देखो ह्यूमन जीनोम जो है दैट इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, है ना, एक मेगा प्रोजेक्ट है ये. मेगा मीन्स बड़ा. एक बिग प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, दैट इज यूज्ड फॉर द सिक्वेंसिंग ऑफ द होल ह्यूमन जीनोम. और अब होल ह्यूमन जीनोम को सिक्वेंसिंग करना आसान बात नहीं है. अभी तक तो सिर्फ हमने 50% ही जीनोम को कंसिडर किया है. मतलब सोचो 50% में इतना घमासान है, तो नेक्स्ट 50% में तो पता नहीं और क्या क्या हो जाएगा. तो वो अभी बाकी है, वो आप लोगों के लिए डिस्कवरी छोड़ी है ना. जो फ्यूचर, आप जो हमारी जनरेशन है ना, फ्यूचर जनरेशन, वो आप इस प्रोजेक्ट को आगे तक लेकर जाना.
ये हमारी विशेज है, बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल की विशेज है आपके लिए। तो आप यहाँ पे बता देंगे इम्पोर्टेंट गोल्स क्या है, प्रोजेक्ट भी मेगा प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम को पूरा क्या है सिक्वेंसिंग वहां पे करनी है, कौन सा जीन किस जीन की वजह से डिजीज है, कौन सी जीन थेरेपी परफॉर्म की जा सकती है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैसा है, या ऐसी डिजीज से कैसे जो है बचा भी जा सकता है ना, डायग्नोज है, ट्रीटमेंट है, जीन थेरेपी है, वो सब आप यहाँ पे बताएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड च्यूइंग ऑफ टोबैको। टोबैको क्या है? तंबाकू। तो उसका धूम्रपान या चबाना आपको पता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये ड्रग एडिक्शन के अंदर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी देखो जनरल क्वेश्चन था, जैग्ड टीथ विल बी देयर, जैग्ड 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 का मतलब पीलापन, टीथ पीले पीले हो जाएंगे, है ना, जैग्ड टीथ एंड गम्स, रिस्क ऑफ कैंसर विल बी देयर, लंग कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर विल बी देयर, स्टमक कैंसर कैन ऑल्सो बी कॉज्ड, लिप्स जो है वो खराब हो जाएंगे, और क्या मतलब एक डिप्रेसेंट रहेगा, लॉस ऑफ जजमेंट भी यहाँ पे हो सकता है, मतलब क्यों, क्योंकि एक टाइप की ड्रग ही है ये, और ड्रग है तो ये आपको क्या डिप्रेस कर रही है इंटरनली, आपकी जजमेंट पावर, इंटरेस्ट इन वर्क, दैट विल बी लॉस्ट, फाइनली लॉस्ट, ठीक है ना। तो इसलिए तंबाकू नहीं चबाना, से नो टू ड्रग्स, फाइन, से नो टू टोबैको। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 13 है, आज आप अच्छे से रेस्ट करें, खूब खाए पिए, ठीक है, खूब मोबाइल देखेंगे, इंजॉय करते रहिए, और क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी? बहुत ज्यादा लॉस है, मतलब पहले आप बायोडायवर्सिटी को बताओगे यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ लॉस मतलब लॉस क्या प्रभाव, की हानि होने से क्या प्रभाव होगा। तो आप देखो सबसे बेसिक सा आंसर आया ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग अगर होगा दैट इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, अब जब ये होगा देयर विल बी मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप, देन देयर विल बी राइज इन द सी लेवल, दे मे रिजल्ट इन टू फ्लड ऑल्सो, और द साइकिल ऑफ द वाटर साइकिल विल बी डिस्टर्ब, इट मे आइदर हैव ड्राउट मतलब अकाल पड़ जाना, और मे हैव फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना, दोनों ही खतरनाक है ना, पानी की कमी या पानी बहुत एक्सेस में, हमारे लिए तो दोनों ही खराब हो जाएगा, और हमारी बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी, उसके बाद इकोसिस्टम लेवल डिस्टर्ब होगा, जो फूड चेन है, जो हमारा फूड वेब है वो डिस्टर्ब होगा, ट्रॉपिक लेवल सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, देयर विल बी लेस लेस वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वैसे भी डेथ रहेगी, बस पॉल्यूशन ज्यादा हो जाएगा, ये सारे ऐसे आपको पॉइंट्स लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर आपसे पूछा है, तो आपको एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर मतलब एक अपराइट स्ट्रक्चर आपको दिखाना था, फिर आप दिखा रहे हैं T1, T2, T3 और T4, आगे लेवल तक भी ले जा सकते हैं T5 या T6 तक, उसके बाद नहीं लेके जाना, फिर आप दिखा सकते थे कि ग्रास है, ग्रास होपर है, ग्रास होपर को मान लो फ्रॉग खा जाता है और फ्रॉग को ईगल खा जाए, तो किसी भी टाइप की आप फूड चेन बना के यहाँ पे बता सकते थे कि जो प्रोड्यूसर्स है दे आर मोर इन नंबर, बट एज वी मूव ऑन टू द टॉप ट्रॉपिक लेवल दैट नंबर विल बी रिड्यूस्ड, फाइन। जैसे अब आप बात करें प्रोड्यूसर की, प्रोड्यूसर की बात कर रहे हो आप, तो प्रोड्यूसर आपके क्या है, प्लांट, प्लांट विल बी मोर एट द अर्थ एज कम्पेयर टू द टॉप कार्निवोर, दैट इज द लॉयन, हाँ या ना, तो ये लॉयन का इसीलिए अपराइट है, तो एज वी मूव फ्रॉम डाउन टू द अप देयर विल बी अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द ट्रॉपिक लेवल। तो ये सब आपको बताना था, प्रोड्यूसर आप बता देंगे, फिर आप कंज्यूमर के बारे में बता देंगे, उसमें आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर बताएं, देन टॉप कार्निवोर पर आ जाइए। ये आपने टेरिस्ट्रियल में बताया है, ऐसे आप एक्वेटिक में भी जाते तो आप वो भी वहां पे बता सकते हैं, उसमें आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, है ना, तो ये आप ऐसे इन्वर्टेड शेप में दिखा सकते थे, अदरवाइज वन ये भी किया है तो भी ठीक है, ठीक है, तो मतलब
प्रेशर ना ले प्लीज माइंड पे. क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द स्पेसिफिक अडेप्टेशन इन्वॉल्व इन पैरासाइट. पैरासाइट में स्पेसिफिक अडेप्टेशन, तो देखो पॉपुलेशन इंटरेक्शन से बन गया आपका पैरासिटिज्म, है ना, तो वहां से क्वेश्चन आ गया आपके. अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको. यहाँ पे अगर आप पैरासिटिज्म को डिफाइन भी कर कर आते ना तो भी बढ़िया था, मार्क्स तो कटना कटवाना ही नहीं है. लेकिन हमसे पूछा है ना अडेप्टेशन, तो देखो क्या क्या है. लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंसरी ऑर्गन, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन फॉर अडेशन, अडेशन का मतलब क्या है, मतलब चिपकना, एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, दैट इज द स्पेसिफिक अडेप्टेशन दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द पैरासाइट. और आप पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट. इन दिस वे द पैरासाइट इज ऑलवेज गेट बेनिफिटेड बट द होस्ट दे विल ऑलवेज रिमेन इन हार्म, है ना, उनको तो नुकसान ही होगा. तो क्वेश्चन नंबर 15th में आप लिख सकते थे लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंसरी ऑर्गन. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अडेशन, मतलब ऑर्गन फॉर अडेशंस. अडेशन का मतलब होता है चिपकना, फिक्सेशन के लिए, है ना भाई, वो फिक्स होना चाहते हैं. क्यों? बिकॉज दे ड्राइव न्यूट्रिशन, मतलब ब्लड सकिंग भी तो करेंगे ना, खून चूसेंगे, ठीक है, जैसे आप लोगों ने हमारा चूसा होगा. नेक्स्ट है हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी वहां पर ज्यादा रहेगी, तो रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, पैरासाइट जो है ज्यादा हाई रेट से डेवलप होगा, तो ये इनकी स्पेसिफिक अडेप्टेशन यहाँ पर रहने वाली है. क्वेश्चन नंबर 16th इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बार बार बताया था मैंने. हाउ कैन डीएनए बी कट एट स्पेसिफिक लोकेशन. डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करना है, तो सिंपल सा सीधा सा आंसर पहले तो आ जाओ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों, जैसे मैंने अभी बताया था ना, क्योंकि स्पेसिफिक लोकेशन की बात की जा रही है. मानो कि ये आपका डीएनए है, आप यहां कट देना चाहते हो और यहां पे भी, तो ये डबल स्ट्रैंडेड कट मतलब प्रोवाइड करेगा, दोनों स्ट्रैंड में कट देगा. और जितना टाइप का बेस पेयर आपको लाइक 8 बेस पेयर जितना कट चाहिए या 20 बेस पेयर जितना कट चाहिए है, तो ये कट देगा. और कट होने की वजह से वहां पे कोहेसिव या स्टिकी एंड्स आ जाएंगे. कोहेसिव और स्टिकी एंड्स विल बी डेवलप देयर. एडहेसिव भी मतलब कोहेसिव चिपचिपा, तो वो एंड्स वहां पे आएंगे जिसको लाइगेज एंजाइम से ज्वाइन भी किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राइट डाउन द रोल ऑफ बैक्यूलो वायरस. मैंने बैक्यूलो वायरस बोला था इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ आपको बुक में एक ही जगह मिलने वाला था, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, ठीक है. तो देखो अब यहाँ पे बैक्यूलो वायरस आपका क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने. बैक्यूलो वायरस, तो बैक्यूलो वायरस क्या है आपका, स्पेशली किसके ऊपर अटैक करता है, आर्थ्रोपोड्स पे. बार बार बताती थी मैं, ये एक ही जगह मिलना है आपको, आर्थ्रोपोड्स पे मतलब इंसेक्ट्स पे. तो फिर आप आईपीएम के बारे में भी यहाँ पे बता सकते थे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये भी मैंने वीडियोस में डिस्कस किया था बेटा. क्वेश्चन को आप समझे, मेरा बार बार सिर्फ ये आपको रिमाइंड करवाने का एक मकसद सिर्फ ये है कि वीडियो सारी इंपॉर्टेंट है, हर वर्ड हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो जो बच्चे मतलब प्लस टू में प्रमोट हो गए हैं, उनको भी मेरी सजेशन यही है कि आप वीडियोस को बड़े ध्यान से देखते रहें, स्किप ना करें, क्योंकि हर पॉइंट हर बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है. आपको मतलब क्वांटिटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, क्वालिटी के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है. आप बात को समझें कि क्वालिटी आपको दी जा रही है, तो क्वालिटी होना जरूरी है ना, और क्वांटिटी भी आपको बहुत बढ़िया दी जा रही है, ओके. तो सब आपकी रिक्वायरमेंट को सोच के हर चीज बायोलॉजी प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है. तो आप यहाँ पे बताएंगे कि कैसे ये स्पीशीज स्पेसिफिक भी है, ठीक है. यहाँ पे आप जो बीटी कॉटन का भी एक एग्जांपल दे सकते थे, बीटी कॉटन का एग्जांपल आप दे सकते हैं, कैसे ये कॉलियोप्टेरन, लैपिडोप्टेरन, आर्मी वॉर्म, बीटल्स, उनके ऊपर किस तरीके से अटैक करेगा. तो यहाँ तक सी सेक्शन फिनिश होता है. Now move on to section D, that is for long answer type question and 5 marks.
लास्ट है आपका, ठीक है, लास्ट पेपर, लास्ट सेक्शन, 5 मार्क्स के लिए। सेट ए आपका डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, तो मैच कर ले बच्चे। और बाकी और भी किसी बच्चे को लगता है कि मैम किसी क्वेश्चन में डाउट है अदर सेट का है, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर जाएंगे। देखो डायग्राम वाली वीडियो एक आपकी तैयार की गई थी, जिसमें मैंने मैक्सिमम डायग्राम डिस्कस किए और उनमें से एक डायग्राम भी आ गया है, अगर बनाकर आए हो तो बहुत बढ़िया है। ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट अबाउट मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको सारा वहां पे समझाया, टेस्टिस, स्क्रॉटम, एपिडिडाइटिमिस, वास डिफरेंस है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एक्सेसरी डक्ट है वहां पर, और मतलब ग्लांस पेनिस है, फोर स्किन है, ठीक है, इनग्यूनियल कैनाल, यूबर्नाकुलम, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लडर, ये सब आपकी लेबलिंग, मैक्सिमम लेबलिंग वहां पर रहनी थी। और ऐसे ही आप मेल एक्सेसरी जो डक्ट है उनके बारे में भी बता देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और इजी भी था। चॉइस में आपको दिया है व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ हार्मोन व्हिच रेगुलेटेड। क्वेश्चन अगेन डिस्कस किया हुआ था और डायग्राम भी मैंने दिया था आपको, डायग्राम आपको बनाना था, इसमें नहीं बनाए हैं तो देखो थोड़े मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, बाकी डायग्राम मुश्किल नहीं था। तो ये तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप मतलब डायग्राम अब अगर आपको मैच करना है तो वीडियो आप देखिए, डायग्राम की स्पेशल वीडियो आपकी तैयार की गई थी। चॉइस में आए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था, बताया था इंपॉर्टेंट है और डायग्राम भी डिस्कस किया गया है ना। तो यहाँ पे आप टर्म भी बताते हैं कि मेनार्च लाइक बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन दैट टेक्स प्लेस एट द प्यूबर्टी फ्रॉम 11 टू 13 ईयर्स ऑफ द एज इन गर्ल्स, एंड द मेनोपॉज दैट इज द सेसेशन दैट मीन्स द स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 45 टू 55 ईयर, दैट मे वेरी आल्सो ड्यू टू हार्मोनल डिस्टर्बेंस। ऑलराइट, उसके बाद आप सारे मेंस्ट्रुअल फेज है, देन फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं, ओव्यूलेटरी फेज एंड द सिक्रेटरी फेज। तो 4 फेजेस के बारे में भी आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था विद डेज, डेज के साथ भी आप बताते हैं यहाँ पे। फर्स्ट जैसे मेंस्ट्रुअल फेज बताना था, मेंस्ट्रुअल फ्लो है, ठीक है, मेंसम, और सेकंड आपका फॉलिकुलर, फॉलिक्यूलर या प्रोलिफेरेटिव फेज था, या आप डायग्राम देखेंगे डायग्राम वाली वीडियो में, वहां पे फेजेस के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है, ओव्यूलेटरी फेज है, ठीक है, और लास्ट रह गया आपका सिक्रेटरी फेज, जिसमें हम ये भी लिखते हैं लाइक विपिंग ऑफ द यूट्रस फॉर द लॉस्ट ओव्यूम। उसके बाद LH बताया था, ये 14th डे को होगा, 14th डे दैट मीन्स मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन्फ्लुएंसेस ओव्यूलेशन, FSH प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन लेवल व्हेन इट कम्स डाउन देन मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस एंड व्हेन इट राइजेस देन प्रेगनेंसी विल बी मेंटेन। क्वेश्चन नंबर 19th डिस्कस्ड क्वेश्चन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ये ना सोचें कि आपने प्लस टू पास कर ली है तो आप बायोलॉजी प्लेटफॉर्म को भूल जाओ, मतलब ऐसा कोई भी बच्चा ना करे, बल्कि आप अभी आपका फर्ज क्या बनता है, नाउ यू आर सीनियर, है ना, सुपर सीनियर भी हुए हैं आपके, आप सीनियर्स में काउंट होते हैं, तो आपकी मेन जो ड्यूटी बनती है वो अपने जूनियर्स को गाइड करने की बनती है ना। तो आपको इन्फॉर्मेशन दूसरे बच्चों को भी देनी है ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके और आपको भी आगे बेनिफिट मिलता रहेगा। जैसे भी स्ट्रीम आप चूज करेंगे ना, तो आप प्लीज बताएं और ताकि हम उस पे अपना काम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, कोडोमिनेंस। एक हमने किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा किया था कोडोमिनेंस। तो को मीन्स कॉमनली डोमिनेंट है, तो कॉमनली डोमिनेंट की जब बात की जा रही है तो वहां पे आएगा आपका मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल एलील्स, ठीक है। इसमें ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, मतलब ए बी ओ ब्लड ग्रुप की आपकी बात की जा रही थी। फिर आपको मैंने जीनोटाइप भी लिख लिख के बताए थे, फिनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप क्या होगा, 6 जीनोटाइप्स थे, ठीक है, ये आपको सब मैंने ऐसे लिख के दिया था। ऐसे बी के लिए बी, ए के लिए ओ, के लिए ओ, के लिए आपका सिंपल या तो ये आप ऐसे मेंशन कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये सब ऐसा आपको
एग्जाम्पल के साथ मेंशन करना था. चॉइस में मिला है, व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, हाउ कैन सच एनालिसिस बी यूजफुल. बोला था मैंने ये क्वेश्चन भी आपको. देखो पेडिग्री, अभी सीबीएसई बोर्ड ने तो क्या किया, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दे दिया और आपका थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, बस यही डिफरेंस है. टॉपिक तो सेम ही था ना, तो कोई कर लेते और भी पूछे हैं आपको. पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस में क्या है एक्चुअली, हम क्या देखते हैं, लाइक ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज आइदर फ्रॉम द मेल और फ्रॉम द फीमेल. तो यहाँ पे आपको बताना था कि प्रोपोसिटी मतलब मेल से और प्रोपोसिटा फीमेल से. ठीक है, जैसे आप देखते हैं घर में मानो कि कोई डिजीज आई पर दादी से आ गई या दादी से आ गई, तो दादी से वो डिजीज हो सकता है आगे बच्चों में आगे आगे जनरेशन में स्प्रेड होता जाए. और ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिजीज मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर्स या ग्रैंडफादर या फादर से और आगे आने वाली जनरेशन में जो है वो ट्रांसमिट होती चली जाए. तो ऐसा बताना था पेडिग्री एनालिसिस क्या था ये, हाउ सच कैन सच एनालिसिस बी यूजफुल. बहुत यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है. कैसे कि भाई इससे आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पता चलता है और आप किस तरीके से जीन थेरेपी करवा सकते हैं उसका पता चल सकता है, कहाँ कैरियर हो सकता है, कहाँ विक्टिम हो सकता है, कहाँ मतलब डाइज होने के चांसेस बनते हैं. तो काफी हद तक जो है ये आपका यूजफुल रहता है. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपका रहेगा, 20th क्वेश्चन है, हाउ इज बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. कुछ बच्चों को हो सकता है कि थोड़ी सी मतलब शिकायत रही हो, क्योंकि एक तो यहाँ पे चॉइस नहीं मिली है ना. कोई बात नहीं, चॉइस हर जगह चॉइस हो दैट इज नॉट नेसेसरी. कुछ चीजें जो है आपकी आपकी क्या आपके टैलेंट को देख के भी दी जाती है ना. लेकिन बच्चों ने कर दिया होगा बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पूछा है आपसे. तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का क्वेश्चन ये भी मेरा डिस्कस किया हुआ था, आप ध्यान देना, बल्कि मैंने ये सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है वहां भी डिस्कस किया था. मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का क्या है आपका, इट इज टू डेवलप एंड इम्प्रूव द ड्रग्स नाउ वैक्सीन थेरेपीज डायग्नोस्टिक टेस्ट है दैट विल इम्प्रूव ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ. तो यहाँ पे क्या था मतलब बेसिकली हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट लगाने हैं, ड्रग्स का देखना है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ड्रग्स यूजफुल है या नहीं है, या ड्रग्स को कैसे इम्प्रूव्ड किया जा सकता है. ड्रग्स का मतलब आप यहाँ पे मेडिसिन से रिलेट करें, इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है अभी, यहाँ पे कहने का मतलब है मेडिसिन से या वैक्सीन से. आप देखो ना दवाइयां मतलब क्या, दवाइयां बेटा लो रेट के भी है और बहुत एक्सपेंसिव भी है, वो डिपेंड करता है मतलब कि कुछ चीजें दवाई लेनी पड़ेगी लंबे टाइम तक, कुछ चीजें आपका थोड़ा इंस्टेंट रिलीफ दिखाती है. इंस्टेंट जो चीज रिलीफ दिखा रही है लेकिन उसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं, प्लस दे आर एक्सपेंसिव आल्सो, है ना. तो कई बार मतलब डिपेंड करता है. लेकिन हमारा क्या है, देखो वायरसेस भी तो नए नए आ रहे हैं ना, नए नए वेरिएंट्स आपको सुनने को मिलते हैं. हंता वायरस सुना था कहीं, ब्लैक फंगस सुन लिया आपने. तो अभी ऐसी ऐसी डिजीज जब सामने आ जाएंगी तो बेचारे साइंटिस्ट को तो नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी, वहां बायोटेक्नोलॉजी हमें हेल्प करता है. या अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, इम्प्रूव जैसे जीएमओ की आप बात करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की जब आप बात करते हैं तो वो ऐसे तो नहीं मिलने वाला, तो उनके लिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का करना जरूरी है. तो वो किस लिए किया जाता है कि किसी भी मॉलिक्यूलर लेवल, स्पीशीज लेवल, जेनेटिक लेवल पे वो हमें हार्म ना पहुंचाए या किसी स्पीशीज को वो खत्म ना करते. ओके, तो आज का हमारा जो ये इतने टाइम से आपका महा मैराथन सेशन जो चलता आ रहा था, आज नवरात्रों में फिनिश हो रहा है. ठीक है, अब आगे हम बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे. आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाना भी है. ठीक है, अपने जूनियर्स को भी गाइड करें और बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि बेटा पर्सनली मैं चाहती हूं कि मेरा कोई भी बच्चा पीछे ना रहे. ठीक है ना, सब आगे हो, मतलब आप मुझसे भी आगे जाएं, ये मेरी विशेष है. और अगेन थैंक यू, बाय बाय.